हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी या कुकिंग वीडियो नहीं लेके आई हूँ, बल्कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने नियर बाय नर्सरी का एक छोटा सा वीडियो, जहाँ पे मैं अपने किचन गार्डन के लिए कुछ प्लांट सेलेक्ट करने के लिए आई हूँ। तो ये गवर्नमेंट नर्सरी है द्वारका सेक्टर 19 में, जो मेरे घर से करीब 4-5 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है। तो मैंने किचन गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपसे। तो आज चलिए देखते हैं क्या क्या लेती हूँ मैं और आपको एक छोटा सा विज़िट कराती हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपने किचन गार्डन के लिए कुछ पौधे सिलेक्ट करने। यहाँ मैं गवर्नमेंट नर्सरी में आई हूँ, ये द्वारका सेक्टर 19 में है, गोल्फ चौक के पास। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या ले जाऊँ किचन गार्डन के लिए। करोटन ये वाली तो है मेरे पास, आज हम आए थे कुछ लेने, लेकिन यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है जो इनके सर्विस इंचार्ज हैं वो, तो हम बस ऐसे ही थोड़ी सी व्यू के लिए बना रहे हैं वीडियो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो गवर्नमेंट नर्सरी में हमें कुछ नहीं मिला, फाइनली हम आयुष नर्सरी आ गए हैं, जो कि गोला डेरी गोल्फ लिंक रोड पे है, द्वारका सेक्टर 19। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे वैरायटीज़ दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये करोटन है, इसमें छोटे छोटे प्लांट्स हैं फ्लावर्स के। ये पहाड़ों वाली मिर्ची है, जो ये नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ ऐसे निकलते हैं ब्लैक कलर के। ये छोटे छोटे से प्यारे से गुलाब के पौधे हैं, काफ़ी प्यारा लगता है ये। तो यहाँ जो मैंने सेलेक्ट किया है अपने लिए, वो मैं एक पाम का ट्री ले रही हूँ, पाम ट्री। काफ़ी सारे सेक्यूलेंट्स हैं यहाँ पे, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं, मेरा मन कर रहा है मैं सारा ही लेके चली जाऊं, बट इनके रेट काफ़ी महंगे हैं। वैसे तो YouTube पे इन लोग बहुत सस्ते रेट बताते हैं, जब आके आप यहाँ पे इनसे पूछो तो इनके रेट बढ़ जाते हैं। ये पर प्लांट 150 का बता रहे हैं, तो देखते हैं और क्या लेके जा सकते हैं। यहाँ पे इनका स्टोर रूम है, जिसमें इन्होंने कुछ प्लांट्स एंड प्लॉटर्स रखे हुए हैं। ये ग्रीन नहीं रेड, काफ़ी प्यारा लग रहा है ये, आई डोंट नो क्या कहते हैं। मुझे पहले बहुत से प्लांट्स के नेम याद थे, बीइंग अ बॉटनी बैकग्राउंड स्टूडेंट एंड साइंस स्टूडेंट, मुझे बहुत सारे प्लांट्स के नेम अभी भी याद हैं। ये स्नेक प्लांट है, बहुत सारे नाम भूल भी गई हूँ। कितना प्यारा लग रहा है ये, सपोज अगर ये ऐसे आपके छत पे हो, आपके बालकनी में हो, कितना मजा आएगा, आंखों को कितना सुंदर लगता है। ये डहेलिया है, पर्पल वाली डहेलिया है, और मैंने भैया को यहाँ पे कैलेंडुला निकालने के लिए बोला है, तो वो कैलेंडुला लेने गए हैं। ये पाम ट्रीज है, ये क्रिसमस ट्री जिसे कहते हैं वो है। ये जो इन्होंने लगा रखा है, ये सेल के लिए है, मनी प्लांट है सारे। अगर आपको भी अपने किचन गार्डन या बालकनी या रूफ के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, जो वेस्ट दिल्ली द्वारका की तरफ रहते हैं। ये देख रहे हैं आप इनका सेक्शन, काफ़ी हरा भरा है, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक इनके प्लांट्स हैं। अरे गमले चाहिए। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा, आप आएँ और अपने यहाँ के लिए छोटे छोटे प्लांट्स और प्लॉटर्स सेलेक्ट करके लेके जा सकते हैं।
तो मुझे तो बहुत पसंद है अपने किचन गार्डन में हरे भरे पेड़ लगाना। तो अभी मैं यहाँ से ये कैक्टस लेके जा रही हूँ, एक सैक्यूलेंट ले रही हूँ, एक पाम ट्री ले रही हूँ और एक कैलेंडुला लूँगी मैं। और ये मिर्ची भी मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ ये भी ले लूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम जो पौधे लेकर आए हैं वो है ये स्नेक गार्ड है, एक रातरानी का पौधा हमने लिया नर्सरी से। एक्चुअली रास्ते में हमारा हाथ इतना फुल था, हम बाइक से गए थे तो मैं शूट नहीं कर पाई ना फाइनली आपको दिखा पाई कि क्या लेके आई हूँ। ये दो मिर्ची के प्लांट्स लिए मैंने और एक ये येलो गुलाब जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था क्योंकि रेड मेरे पास पहले से था वो लिया मैंने। एक ये छोटा सा आंवला का लिया है मैंने और हमने फटाफट से इसे आके घर पे लगा दिया था क्योंकि छोड़ नहीं सकते हम इसे, ऐसे पौधे मुरझा जाएंगे। एक इंडोर प्लांट भी लिया है मैंने, एक ये पाम ट्री लिया था। इंडोर प्लांट जो था वो मैंने घर में रख दिया था, वो मैं आपको फिर कभी घर में कोई भी रील या वीडियो बनाऊंगी तो आपको दिख जाएगा। एक ये कनेल, पीला कनेल का होता है, कनेल का फूल हम कहते हैं, वो लिया मैंने। एक परिजात का लिया और ये शम्मी का पेड़ आप छोटा सा देख पा रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही कुछ लिया है मैंने, बाकी आपने किचन गार्डन की वीडियो मैंने मेरी देख रखी है तो इन्जॉय करिए इस वीडियो को। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी और नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।